और इंटरनेट। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इंटरनेट। आज से यही बात अगर 100 साल पहले बोली जाती कि जितने जरूरी रोटी कपड़ा मकान है उतना ही जरूरी इंटरनेट, तो लोगों को जरूर ये बात कुछ अलग लगती। लेकिन आज के टाइम पे जब इंटरनेट इज नॉट जस्ट अ मेयर सर्विस बट इट इज इन वेरी असेंशियल एंड इंटीग्रल पार्ट, ये हमारी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा है जिसकी जरूरत, जिसकी जो एक असेंशियल कॉमोडिटी बन गया है आज के टाइम पे। व्हेन आवर वर्ल्ड इज वेरी फास्टली मूविंग एट अ वेरी फास्ट स्पीड और इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, डेवलपमेंट इतनी जल्दी हो रही है, इंटरनेट एक ऐसी कॉमोडिटी, इंटरनेट एक ऐसी सर्विस है, एक ऐसा असेंशियल पार्ट है हमारी लाइफ का, जो स्टूडेंट से लेकर प्रोफेसर, टीचर्स, लॉयर, बिजनेसमैन, एवरीवन आउट देयर, सबकी लाइफ में उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि असेंशियल भी, और उसकी जरूरत डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज्यादा है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इंटरनेट क्या राइट है? हर किसी पर्सन का राइट टू इंटरनेट है या जस्ट एक सर्विस है जो कि हमें प्रोवाइड की जा रही है? इसी को डिस्कस करने के लिए हम एक केस लॉ डिस्कस करेंगे। इसका नाम है फहीमा शिरीन आर के वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। यहाँ पर जो ये गर्ल है फहीमा, ये एक गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ती है और इसके हॉस्टल्स के रूल्स के अकॉर्डिंग इसको इंटरनेट, वहाँ की सभी लड़कियों को इनफैक्ट इंटरनेट यूज़ करना बैन होता है फ्रॉम 6 PM to 10 PM। इसको लेकर एक रिट डलती है और ये कहा जाता है कि कंटेंशन ये रेज की जाती है कि इट इज़ टोटली अगेंस्ट हर राइट टू यू नो राइट टू एजुकेशन, बिकॉज नाउ अ डे राइट टू इंटरनेट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ राइट टू एजुकेशन। चाहे वो ऑनलाइन स्टडीज़ हो, चाहे वो ई बुक्स हो, इंटरनेट पे कोर्सेज हो, और भी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें। तो फाइनली इस केस में ये ऑब्जर्व किया गया कि द गर्ल हैज़ अ राइट टू स्टडी, राइट टू एजुकेशन, एंड दिस इज़ टोटली अगेंस्ट द जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कि लड़कियां हैं, गर्ल्स हॉस्टल है तो नेट नहीं यूज़ होगा। और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि गर्ल्स ऑफकोर्स नेट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनको अपने पर्सनल प्रिवेसी के लिए अपना पढ़ना है, बात करनी है, कुछ भी नेट यूज़ करना है, तो ऑफकोर्स दे वॉन्ट इंटरनेट। इसके बाद एक और मेन इशू अगर हम देखें तो वो ये उठता है कि हाल फिलहाल में जो प्रोटेस्ट हुई हैं, जो चीज़ें हुई हैं, वहाँ पर इंटरनेट यूज़ जो है वो बैन हो गया है। इसका मतलब आपने देखा होगा कि सुबह से लेकर शाम तक सबके सर्वर डाउन पड़े थे, इंटरनेट चल नहीं रहा था। तो क्या ये हमारे राइट का बैन है या गवर्नमेंट को ऐसा करने का राइट? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? इंटरनेट इज अ मैटर ऑफ राइट के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में भी टाइप करके बता सकते हैं। अगर हम बात करें कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविजन की, तो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ हमारे पास पहले से ही राइट्स हैं जिसके अंडर हमें प्राइवेसी है टू यूज, टू मेक चॉइसेस ऑफ आर ऑफ ओन यूज। और इसी के साथ साथ एक और चीज, अगर हम बात करें UDHR की, यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, तो वो भी बात करता है राइट टू लिव विद डिग्निटी की। एंड ऑफ कोर्स ये जो इलीगल, या फिर हम कह सकते हैं कि एक रीसेंट हमने देखा है बहुत फ्रीक्वेंटली बैन होता है इंटरनेट पे, क्या ये ह्यूमन राइट वॉयलेशन है? क्वेश्चन है कि क्या ये ह्यूमन राइट वॉयलेशन? इसी को डिस्कस करने के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे। जैसे कि लेट्स से कि गवर्नमेंट अगर बैन करती है इंटरनेट, तो क्या वो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्या कर रही है? क्या वो इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री एंड एक क्योस ना हो सोसाइटी में फॉर द लिमिटेड टाइम पीरियड इसलिए कर रही है, या फिर ये जस्टिफाइड नहीं है? इसी के बाद एक और क्वेश्चन है, हाल फिलहाल में आप, हम जानते हैं कि 2019 में कश्मीर में फाइनली जो हालात थे वो काफ़ी बदले हैं। आर्टिकल 370 35A बैन होने के बाद, ख़त्म होने के बाद काफ़ी चेंजेस आए हैं। अदरवाइज कश्मीर की हालत वही थी कि इंटरनेट प्रॉब्लम था, और वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो बाकी लोग हैं अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते हैं, उनको नेट का इशू बहुत आता था, उनको एक प्रॉपर नेट कनेक्शन वहाँ नहीं प्रोवाइड हो रहा है। वहाँ पर ये सर्विस जो है बहुत ही डिस्क्रिशनरी बेसिस पे प्रोवाइड होती है, कभी भी वहाँ नेट डाउन पड़ जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है, तो क्या ये उनके राइट्स को इन्फ्रेंच करना है?
इसके बारे में भी आपका क्या टेक है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। फर्दर एक चीज बहुत क्लियर है कि आज के टाइम पे लुकिंग द एजुकेशन एंड द प्रोफेशन द काइंड ऑफ वर्क वी आर डूइंग, इंटरनेट जो है वो एक मेयर सर्विस नहीं रह गया है, वो हमारी लाइफ का एक बहुत ही एसेंशियल और बहुत ही बेसिक पार्ट बन गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनेट एज अ मैटर ऑफ राइट एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।